चेयरमैन डीआरडीओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, एयर मार्शल संदीप सिंह वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डॉक्टर वीएचवीएस नारायण मूर्ति डायरेक्टर जनरल एमएसएस डीआरडीओ, श्री प्रतीक किशोर डायरेक्टर डीवीआरएल, श्री एंड द फॉर्मर डायरेक्टर्स श्री बालाकृष्णन जी, फॉर्मर डायरेक्टर वीएस शेट्टी जी, फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार, फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर मनजीत सिंह, या एक बार यहां मौजूद हैं चारों लोग। थैंक यू। नहीं वो तो पहचान दिया। श्री सत्यनारायण जी नुवाल सीएमडी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड नागपुर। वैसे आपको मैं दूसरे नाम से जानता था लेकिन सोलर इंडस्ट्रीज जब मैंने देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर। श्री मनीष गुप्ता चेयरमैन सीआईआई चंडीगढ़ चैप्टर, यहां उपस्थित डीआरडीओ के डिफरेंट लैब्स के हमारे डायरेक्टर्स और हमारी आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल्स और इस इवेंट में उपस्थित अन्य सभी पार्टिसिपेंट्स, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, ये जो कंडक्ट कर रहे थे उसका क्या नाम बताया? डॉक्टर प्रिंस शर्मा। डॉक्टर प्रिंस शर्मा जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे इस कैंपस में आए हैं, हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सही बात नहीं कही है, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि इस कैंपस में आकर आप जैसे वैज्ञानिकों से मिलकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच आप सब पर हम सबको नाज है। पब्लिसिटी से दूर रहकर नाम और शोहरत की कोई चिंता नहीं, कभी प्रेस के सामने भी नहीं आते, लेकिन जिस तरीके से पूरी निष्ठा और लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। और आज इस टीवीआरएल चंडीगढ़ की विजिट पर आप सबके बीच उपस्थित होकर गौरवान्वित तो अपने को महसूस कर ही रहा हूं, मुझे बेहद खुशी भी हो रही है। और मुझे बताया गया कि किसी समय टू रूम फैसिलिटी से शुरू हुई यह लेबोरेटरी आज देश को क्रूशियल डिफेंस टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। और जिस तरह मैंने अभी टीवीआरएल द्वारा डेवलप की जा रही टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को देखा और उनके बारे में जाना समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया की टॉप डिफेंस टेक्नोलॉजी और टेस्ट एंड इवेल्यूएशन फैसिलिटीज प्रदान करने वाली एस्टेब्लिशमेंट्स में से एक बनेगी। और आज जब मैं इस कैंपस में आया, जब कुछ चीजों को देखा, कुछ चीजें ऑपरेट भी की गई हमारे सामने, उसको भी मैंने देखा, तो मैंने कहा ऊपर वाले से कि मेरी दिवाली तो हो गई। वैसे मैं आप सब लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे साल में आप 4, 6, 8, 10 बार तो दीपावली मनाते ही होंगे। मैं डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और टीवीआरएल के डायरेक्टर प्रतीक किशोर और इस लेबोरेटरी से जुड़े हमारे सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इतने से ही मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं आप सभी वैज्ञानिकों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी कल ही मुझे आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हमारे देश की जो टॉप डिफेंस लीडरशिप है उसको एड्रेस करने का अवसर मिला। वहां इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे समय बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है, दुनिया भर के राष्ट्रों के बीच कि आपसी संबंधों, ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिटिकल
और सिक्योरिटी अफेयर्स में यह बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। साइंटिफिक कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी और नए नए इन्वेंशन्स ने सिक्योरिटी पर भी बड़ा प्रभाव डाला है, और ऐसे में अपने को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना मैं मानता हूं कि हमारी यह सबसे बड़ी जरूरत है। और मित्रों, आप जानते हैं भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है और आज भी है, और किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को अपनी ओर से शुरू करना हमारे वैल्यूज के, हमारे मूल्यों के सर्वथा खिलाफ है। पर इसके साथ ही यह भी उतना ही सही है कि यदि आवश्यकता होती है तो हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। पूर्व राष्ट्रपति या महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि इस दुनिया में भय का कोई स्थान नहीं है, एक शक्ति ही दूसरे शक्ति का सम्मान करती है। भारत को भी हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, ताकि दुनिया में बड़ी से बड़ी ताकत के सामने हमको आंख झुकाकर बात न करना पड़े, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करने की हम स्थिति में हों, ऐसा सशक्त भारत हम बनाना चाहते हैं। और आज जब TBRL की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को मैं देख रहा हूं, तो एक तरह से मैं डॉक्टर कलाम के सपनों को साकार होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा हूं। साथियों, आज TBRL रेंज की अपनी विजिट के दौरान मुझे यहां डेवलप किए जा रहे वारहेड्स और वेपन से संबंधित विभिन्न टेक्नोलॉजीज के बारे में भी प्रतीक किशोर जी ने और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है। मुझे यहां उपलब्ध टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फैसिलिटीज के बारे में भी इन लोगों ने जानकारी दी। मैंने देखा कि TBRL रेंज वारहेड्स, वेपन्स और इसके सब सिस्टम्स की टेस्ट एंड इवैल्यूएशन के लिए बेहतरीन सुविधाओं से यह लैस है। और आप सभी को याद होगा कि अगस्त 2021 में मैंने भारतीय सेना के मल्टी बोर्ड हैंड ग्रेनेड सौंपा था सेना को, और हमारे सत्यनारायण जी यहां पर ये मौजूद हैं, गजब का वह हैंड ग्रेनेड बना है। दुनिया के दूसरे देशों को 7,500 रुपये डॉलर की यहां बात मत करिए, यहां रुपये की बात करिए। दुनिया के देशों को एक हैंड ग्रेनेड 7,500 में बेचते हैं, लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं सत्यनारायण जी, हमारे भारत के सेना के जवानों को 3,500 रुपये में देते हैं। यह है हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज का करिश्मा, और भारत के प्रति जो उनकी एक कमिटमेंट है, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी हमको जितना सपोर्ट किया जा सकता है वो सपोर्ट करना चाहिए। लंबी परंपरा चली आ रही थी इनकी, नियत और ईमान पर ही लोग केवल सवालिया निशान लगाते थे, क्वेश्चन मार्क लगाते थे, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन की तरफ किसी की नजर नहीं आती थी। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली है जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनको भी सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। TBRL द्वारा डिजिग्नेटेड, डिजाइन और डेवलप किया ग्रेनेड इंडियन आर्म फोर्सेज में शामिल प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित यह पहला म्यूनिशन था जो हैंडओवर किया गया इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा। और इस ग्रेनेड की सेफ्टी और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इसे वास्तव में वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। ये वर्ल्ड क्लास के इसके परफॉर्मेंस और पैरामीटर्स थे, और ये हमारे साइंटिस्ट और प्रोडक्शन एजेंसी की कैपेबिलिटीज का क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन है। और मुझे बताया गया है कि इस ग्रेनेड ने प्रोडक्शन में 99.5% से अधिक की फंक्शनल रिलायबिलिटी हासिल की है, माने पक्की गारंटी है कि 99.5% इस लोग करेगा ही करेगा। मैं इस उपलब्धि के लिए TBRL और DRDO को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ ही हाल ही में मेरे द्वारा इंडियन आर्मी के TBRL द्वारा डिजाइंड और डेवलप एक और सिस्टम बन ब्लास्टिंग डिवाइस Mark II सौंपा गया है। आने वाले समय में इस सिस्टम का प्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से
प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी किया जाएगा और मुझे बताया गया है कि इस प्रोडक्शन मॉडल की फर्स्ट फेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। साथियों, ये सफलताएं हमारी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी में हमारी बढ़ती हुई क्षमता का एक सिग्नल है, यह एक संकेत है और इस बात का भी संकेत है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज में इंडिजिनस सिस्टम रेगुलरली इंडक्ट होती रहेंगी। इसके अलावा डीआरडीओ टेक्नोलॉजीज के साथ इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री का एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारी मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा रही है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि डीआरडीओ ने मिसाइल, राडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनार और फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, गन और टॉरपीडो आदि में ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपेरेबल हैं और साथ ही कई ऐसे वारहेड सिस्टम्स और म्यूनिशंस विकसित किए गए हैं जो अपने आप में बिल्कुल अलग प्रकार के हैं और उनको उनके शेड्यूल के अनुसार इंडक्ट भी किया जाएगा। और मुझे यह जानकर खुशी है कि टीबीआरएल फोर्थ जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस के डेवलपमेंट के एडवांस्ड लेवल पर पहुंच गया है जो कंटेम्पररी होने के साथ साथ बेहतर सेफ्टी और रिलायबिलिटी प्रदान करेगा। वैसे फिफ्थ जनरेशन पर भी तो काम शुरू कर ही दिया है, बस वहां तो यही बतलाया और मुझे प्रसन्नता है कि यहां वारहेड डेवलपमेंट में इंडस्ट्री पार्टनर्स की भागीदारी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। एक और एस्पेक्ट जिसमें मुझे यहां इंटरेस्ट आया वो था वैफल रेंज का, जिस काम के लिए 500 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती थी वो केवल 20 एकड़ में काम चल जाएगा और आगे मैं समझता हूं शायद 10 एकड़ में ही काम चलेगा या और कम होता चला जाएगा। वैफल रेंज का कंसेप्ट आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस फायरिंग रेंज के लिए आमतौर पर किया जाता है, उसके लिए 500 एकड़ के बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती थी और वहां रिक्रूट्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग इंश्योर करने के लिए इतने बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, साथ ही कुछ जगहों पर सिविलियन पॉपुलेशन की आवाजाही के चलते कई खतरे भी बने रहते हैं। और साथियों, मुझे जानकर खुशी है कि टीबीआरएल द्वारा डेवलप्ड बैफल रेंज सुरक्षा से समझौते किए बिना क्षेत्र को 500 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ या उससे कम कर देती है। वैसे यहां आने के पहले उसके बारे में मुझे जानकारी हो गई थी और इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि प्रैक्टिस फायरिंग रेंजेज के लिए कम जमीन इस्तेमाल करते हुए भी हमारे ट्रूप्स पूरी तरह से ट्रेंड होंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस भी कर चुकी हैं और मुझे बताया गया है कि 75 से अधिक बैफल रेंज पहले से ही ऑपरेशनल हैं और 70 से अधिक पूरा होने के डिफरेंट स्टेजेज में है। और साथियों, आज की वारफेयर स्ट्रेटजी बहुत डायनेमिक है और इसमें टेक्नोलॉजी का डोमिनेशन आने वाले समय में और स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाएगा और आज के प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स को डेवलप करते समय डिफेंस इक्विपमेंट के स्टेक होल्डर यानी आर्म्ड फोर्सेस, साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस और इंडस्ट्री को इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी पर नजर रखनी होगी और इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के साथ कंटेम्पररी बने रहने के लिए खुद को प्रिपेयर भी करना होगा और इसके लिए टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग को मजबूत करने और कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग और टेस्ट कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करने की भी आवश्यकता है। साथियों, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में कई नए प्रोविजंस के साथ अन्य कई ऐसे नए सुधार भी किए गए हैं जिनसे इंडस्ट्री के पास आज पर्याप्त ऑर्डर्स भी हैं। इसमें किसी को कोई शिकायत तो नहीं हमारे इंडस्ट्रीज के इस सज्जन को नहीं है? अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जब अध्यक्ष को कह रहे हैं तो मान लिया। और इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड एक ऐसी स्कीम है और डीआरडीओ ने सिस्टम के डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस से ही इंडस्ट्री को शामिल करने का इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट तैयार करने के लिए समय
ये मिल सके, और ऐसे मामलों में इंडस्ट्री के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन शामिल नहीं होगा, यह भी मुझे जानकारी दी गई है। डीआरडीओ के पेटेंट्स भी इंडियन इंडस्ट्री के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, डीआरडीओ के पेटेंट्स भी इंडियन इंडस्ट्री के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं, पहले यह सुविधा नहीं थी। और मित्रों, मैंने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए उपयोग की जाने वाली कई टेस्ट स्टैंडर्ड्स को भी देखा है, और मैं समझता हूं कि भारत में अडॉप्ट किए गए ज्यादातर स्टैंडर्ड्स दूसरे देशों के हैं, क्योंकि हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड्स का अभाव रहा है। एक स्टैंडर्ड डेवलप करना एक मुश्किल प्रोसेस है, जिसके लिए डाटा और टेस्ट रिजल्ट्स का बड़ा सिस्टमैटिक कलेक्शन और एनालिसिस की भी आवश्यकता होती है। मुझे गर्व है कि बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट के टेस्टिंग के लिए इंडियन स्टैंडर्ड प्रमोलगेट किया गया है, और टीवीआरएल ने इसके निर्माण में एक की रोल निभाया है। इसके लिए भी मैं टीवीआरएल को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, मैं समझता हूं कि प्रोटेक्टिव सिस्टम और गेयर्स के लिए डिजाइन, डेवलपमेंट और मेथोडोलॉजी के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स को विकसित किया जा रहा है। बूट एंटी माइन इन्फेंट्री, बूट एंटी माइन इंजीनियर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और गेयर्स आदि के इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट मेथोडोलॉजीज को स्टैंडर्डाइज किया गया है। ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड निश्चित रूप से भारतीय उद्योगों को खतरे के खिलाफ न केवल प्रोडक्ट को बेंचमार्क करने बल्कि उन्हें फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कम्पीट करने में भी वह मदद करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी में चेंज बहुत तेजी से होता है, और आजकल तो और फास्ट पेस टेक्नोलॉजीज हो गई है, और जब तक हम एक टेक्नोलॉजी को किसी प्रोडक्ट में डेवलप और कन्वर्ट करते हैं, तब तक और एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आ जाती हैं, और इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, और हमें एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तलाश करने के बजाय एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी अपनानी होगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को लॉन्ग टर्म पार्टनर्स के रूप में लेना होगा, और स्ट्रांग थ्योरेटिकल फाउंडेशन बनाने के लिए नो हाउ के आगे जाकर नो वाई की दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा। और मैं समझता हूं कि टीवीआरएल जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को निकटवर्ती एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पर साझेदारी को डेवलप करना चाहिए, और इससे एक और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कोर टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर काम करने को मिलेगा, और साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजीज को बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को थ्योरेटिकल एनालिसिस से आगे बढ़ते हुए एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्जन पर बल मिलेगा, यानी यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए यह विन विन सिचुएशन होगी, और इससे देश में डिफेंस इकोसिस्टम को भी स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिलेगा। साथियों, रिसर्च और डेवलपमेंट हमेशा अनिश्चितताओं की अनसर्टेनिटी की स्थिति में होता है, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट तो और भी ज्यादा डायनेमिक और अनसर्टेन होता है, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप क्षेत्रों में काम करने वाले साइंटिस्ट और टेक्निकल पर्सनल्स को चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ खुद को अलाइन रखना होगा, और बदलते माहौल के साथ खुद को ढालना भी होगा। मित्रों, आप लोगों के साथ मेरी बातचीत और टीबीआरएल में आज मैंने जो कुछ भी एडवांस्ड टेक्निकल ट्रायल्स देखे हैं, और दीपावली की बात मैंने कही थी, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने दीपावली मना ली, एडवांस टेक्निकल ट्रायल्स भी देखे हैं, और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि डीआरडीओ भारत की आर्म फोर्सेस के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज को इंडिजिनसली डेवलप करने में पूरी तरह कैपेबल और रेडी है। आप सभी अपनी प्रिपेयरनेस को और आगे बढ़ाएं, इसके लिए मंत्रालय की ओर से जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी, उसके लिए आप सभी को मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए आप सबको भविष्य की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही आने वाली दीपावली की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इतनी तेजी से आप काम करें टीवीआरएल में, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि हर महीने आपको दीपावली मनाने का टीवीआरएल में अवसर प्राप्त हो,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त।